Hey guys, welcome back to the vlog. Hope you're fine. Please subscribe to my channel and follow me on Instagram. So guys, अभी जो हम लोग स्टार्ट बात पहुंच रहे हैं, तभी हम लोग कहीं जाएंगे. अभी हम लोग कहीं जाएंगे और फिर चल जाएंगे आप लोग हमारे साथ. Do not she's lovely. तो अभी हम लोग जहाँ भी जाएंगे आप लोग हमारे साथ चलेंगे. ये हम डायनो हनी जाएंगे. तो गाइस हम फाइनली डायनो वैली पहुंच चुके थे, तो हम इस ट्रेन पर बैठे हैं. इस ट्रेन की मदद से हम ऊपर जाएंगे सोलस को. तो गाइस हम डायनो वैली आए थे. मैंने वॉइस ओवर किया क्योंकि शोर जो है बहुत ज़्यादा आ रहा था. तो ये जगह जो है मुझे तो अभी फ़िलहाल तो कुछ खास नहीं लगी, बिकॉज यहाँ पर इतना कुछ खास था नहीं. और मतलब बच्चों की जगह थी, खाने पीने का कुछ खास था नहीं. और भी हम लोग मतलब प्लास्टिक के डायनासोर्स थे. तो मैं अगर आप छोटे एज हैं तो फिर आप ज़रूर आएँ, लेकिन अगर आप मेरे लिए मुझसे ज़्यादा एज है तो प्लीज़ डोंट कम. आप ग्रिलाज और ये जो है एकदम प्लास्टिक के डायनासोर हैं, नथिंग स्पेशल. तो मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ पर मज़ा नहीं आया. तो अभी हम यहाँ से जो है निकलेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ जाएंगे. हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है इनडोर भी कुछ ना कुछ था, बट वो सारा जो था ना छोटे बच्चों का था. सो नॉट इंटरेस्टेड. तो यहाँ पे ये बोलने वाला दरख्त भी था. सो लेकिन इतना मज़ा नहीं आया. सो हम लोग चलते हैं जॉयलैंड, और हम रावलपिंडी जॉयलैंड जा रहे हैं. तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या करेंगे हम. सो लेट्स गो. सबसे पहले उसके बाद जो हम लोग ड्रॉप टावर पर बैठे, ये दिखने में बिल्कुल भी स्केरी नहीं है, लेकिन जब आप इसमें बैठते हो तो फिर आपको पता लगता है कितना स्केरी है. एकदम आपको छुटका देते हैं. और उसके बाद जो हम लोग इस पर बैठिए, इसका नाम आई फॉरगॉट, ये जो है चेयर्स होते हैं. और ये क्योंकि ट्रेन ऊपर जाती है नीचे आती है, लेकिन जो इसका पहला झटका होता है ना, इंसान कहता है ओ माई गॉड, आप दाम नहीं बचने लगे. तो ये भी बहुत ज़्यादा स्केरी होता है और इसमें बहुत मज़ा आता है. मैं जितनी भी वीडियोस मैंने इसमें डाली हैं वीडियो में, इसमें बिल्कुल भी इतना डर नहीं लगता, लेकिन जो इंसान बैठा होता है उसको पता होता है कि कितना स्केरी है ये. और ये वाला तो बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना स्केरी था. तो इसमें ये तकरीबन एक मिनट चलता रहता है. और ये उसके बाद जो हम लोग सबसे जो मुश्किल वाली होती है डिस्कवरी पर मैं बैठी. पहले तो मुझे बैठने नहीं दे रहे थे, मैंने उनकी मिनते की कि प्लीज़ मुझे बैठने दें. और जब मैं बैठ गई तो अब देखिए मैं क्यों बैठी हूँ. मैंने खुद को कहा कि मुझे नहीं बैठना चाहिए था. और ये मतलब पूरा उल्टा होता है. डिस्कवरी के बैठने के बाद मैंने सोचा कुछ हल्की डाइट ले लेते हैं. ये डाइट इतनी स्केरी नहीं थी, लेकिन इसमें बड़ा मज़ा आता है. इसमें ना हम तो हमको गुदगुदी होती है, हंस रहे थे, बिल्कुल खुद ब खुद हंसी बाहर निकल रही थी. और ये जो ट्रेन है ये इस पर मैं नहीं बैठी, बिकॉज इसका टिकट आया हुई इतना महंगा था और ये बकवास ट्रेन थी. तो मैंने इस पर नहीं बैठी. हाँ, ये बच्चों के लिए ठीक है. और जो बच्चे ये मैं आपको कुछ किड सेक्शन दिखा रही हूँ, तो इसमें ये बच्चों बच्चों के लिए है. इसमें मैं तो नहीं बैठी, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ. अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आपके कोई बच्चे छोटे हैं, तो उनके लिए बेस्ट है. तो ये किड सेक्शन में बड़ा अच्छा था. और ये भी जो है उसके लिए हॉर्स राइडिंग के लिए इनकी जो है ये जगह, ये हॉर्स वगैरह. लेकिन इस पर मैं बैठी थी, इस क्लिप में मेरी नज़र आ रही, क्योंकि ये क्लिप मैंने पहले बनाया था. लेकिन बच्चों को देखने के बाद मैंने सोचा मैं भी ज़रूर बैठती हूँ उस पर. तो इसमें बड़ा मज़ा आता है. आप ऐसे लगता है कि आप डेंजरसली में जो है राइडिंग कर रहे हो. तो इस हॉर्स पे बैठने के बाद जो है मैं जो हूँ गई यहाँ पर डॉजिंग कार्स करने. डॉजिंग कार्स जो थी ये सुपर स्पेस के अंदर होती हैं, मतलब उसी के साथ जो इंडोर गेम्स होती हैं उसी के अंदर ही ये डॉजिंग कार्स थी. तो डॉजिंग कार्स इनकी बहुत अच्छी थी. मतलब कुछ होती है ना जिनकी कार्स अच्छी नहीं होती, तो इनकी सारी की सारी कार्स वर्किंग में थी और बहुत अच्छी थी. उसके बाद जो है ये ट्रेजर हंट ऐसे मतलब आता है ये, जिसमें ये शिप्स वगैरह पायरेट्स, ये भी जो है बच्चों के लिए, लेकिन मैं भी इसमें बैठी थी, ये बड़े मज़े का था. उसके बाद जो है हम ये जो है क्या नाम जेट राइड है, ये भी बच्चों के लिए था. इसमें मैं नहीं बैठी थी, लेकिन बच्चे शोर मचाए थे ऑब्वियसली, उनके लिए तो मुश्किल ही था. तो अब जो है हम लोग चलते हैं बड़ों वाली राइड की तरफ. तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, और एज यू कैन सी मतलब काफ़ी सारा क्राउड था, रश था. मतलब आपको काफ़ी हर राइड पर काफ़ी देर के लिए वेट करना पड़ता था. उसके बाद जो हम लोग इस राइड पर बैठे, ये इतनी स्केरी नहीं थी, बट ये बड़े मज़े की थी. मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था, सो बैठ के चीज़ आ रही थी.
एंड देन हम लोग जो है इसके पे बैठने के बाद हम लोग जो है दूसरी राइड पर बैठे और वो थी ये जो है पानी की ट्रेन टाइप होती है जिसमें आप चलते जाते हैं और जब आप आगे जाते हैं ना तो ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है तो ये पानी के अंदर से जाती है, मतलब पानी मतलब पानी अंदर जाती है और आपके पूरे कपड़े गीले, मतलब काफ़ी इतने ज़्यादा गीले नहीं होते लेकिन काफ़ी सारे जो है कपड़े गीले हो गए थे मेरे, बहुत ही मुश्किलों से मैंने सुखाया। बिकॉज आपको पता है फेब्रुअरी है तो ठंड तो ऑब्वियसली होती है और रात को तो ठंड थी। ये देखें देखें इस तरह जो है आपके पूरे भाप के ऊपर पानी आ जाता है, ये बहुत मज़े का था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं दो दफ़ा लूँ लेकिन फिर टाइम कम था। तो उसके बाद जो ये है ये जो है एक सोफ़ा टाइप है जिसके लिए गोल गोल घूमता है और ये आहिस्ता 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 ऊँचा होता 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 रहता है और इतनी स्पीड इसकी आ जाती है और ये बहुत ही मज़े के। और उसके बाद हम लोग जो है पायरेट शिप पर बैठे, ये इतनी कोई ऊपर नहीं जा रही थी लेकिन जो एंड पे बैठे होते हैं लोग उनको पता लगता है और मैं जो हूँ एंड पे बैठी हुई थी। तो जब वो पहली तो 5-6 सेकंड होते हैं उसमें बहुत डर लगता है, बाद में इतना ही लगता है लेकिन ये बहुत अच्छा था। उसके बाद जो है हम इस पे बैठे तो कैसे इस तरह हमारा जॉयलैंड का जो सफ़र था वो ख़त्म हो गया था और हम जा रहे हैं वापस घर और देखने के घर जाके हम क्या करते हैं। सो लेट्स गो होम।